प्रिय विद्यार्थियों, जो बीएड वर्सेस बीटीसी का इसमें न्यूज चल रहा है, उसमें बीएड वर्सेस बीटीसी में एक गुड न्यूज है बीएड के विद्यार्थियों के लिए। बीएड के विद्यार्थियों के लिए एक दो नहीं बल्कि 1,20,000 पदों पर भर्ती निकल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था बीएड और बीटीसी के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड के अभ्यर्थियों को तोहफा मिला है और 1,20,000 पदों पर उनको उनके लिए भर्ती आई है। जो आवेदन की प्रक्रिया है वह 3 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि 1,20,000 पदों पर बीएड के विद्यार्थियों के लिए कहां पर वैकेंसी आई है और उसका आवेदन आप कैसे करेंगे। उसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 3 नवंबर 2023 से प्रारंभ होने जा रही है। आपके स्क्रीन पर देखिए एक न्यूज दिखाई दे रहा है, बीएड वर्सेज बीटीसी गुड न्यूज। बीएड छात्रों के लिए 1,20,000 पदों पर निकली भर्ती, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड अभ्यर्थियों को तोहफा। अब इसमें क्या है, देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। इसमें क्या न्यूज है पहले इसको आप देख लीजिए। अगर आपने भी बीएड किया हुआ है तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपके लिए 1,20,000 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी हो चुका है। आप सभी बीएड अभ्यर्थियों को 1,20,000 पदों पर सभी बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिलने जा रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यह भर्तियों का नोटिफिकेशन एक बार फिर से जारी कर दिया गया है और समस्त बीएड अभ्यर्थियों को एक बार फिर से सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ फैसला आया था और प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए फिर से नया विज्ञापन जारी किया गया है। हालांकि पीआरटी का विज्ञापन नहीं है, कक्षा 6 के ऊपर शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है और बीएड अभ्यर्थियों के लिए इससे अच्छा सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला है। अब बीएड वर्सेस बीटीसी जो लेटेस्ट न्यूज है वो देखिए क्या है। आप सभी को जानकारी के लिए बता देते हैं कि बिहार सरकार लगातार युवाओं को तोहफा दे रही है और बिहार सरकार की तरफ से ढेर सारी भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। एक भर्ती प्रक्रिया समाप्त नहीं होती तो दूसरी भर्ती का विज्ञापन तुरंत जारी हो जा रहा है। ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 27 अक्टूबर को यह अधिसूचना जारी किया गया है। फिलहाल आवेदन की तिथि अभी क्लियर हो चुकी है और 1,20,000 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग ने इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार कि यह शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे इसको हम आपको बता दें। बिहार में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होगी और 14 नवंबर तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। बिहार में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए आवेदन के लिए आपके पास बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी को बता दिया जाता है कि बिहार के शिक्षक भर्ती का एग्जाम 7 दिसंबर से शुरू होगा और 10 दिसंबर 2023 तक यह एग्जाम चलेगा। बिहार में जो यह शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी हुआ है, अन्य राज्यों के युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। अन्य राज्यों के बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार को पीआरटी की नई भर्ती में अब सम्मिलित नहीं किया जाएगा, लेकिन इस भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने से बीएड अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। बीएड अभ्यर्थियों के लिए आई बड़ी खबर, आप सभी को जानकारी बता दें, जितने भी बीएड अभ्यर्थियों ने इस बार बिहार में शिक्षक बनने का बेहतरीन अवसर प्रदान किया गया है। समस्त बीएड अभ्यर्थी बिहार में आसानी से शिक्षक के पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों से उन्हें बाहर कर दिया गया है। आगामी किसी भी राज्य में अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, लेकिन इन बीएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होकर एक बेहतरीन अवसर का लाभ उठा सकते हैं। हम अब सीधे चलते हैं कि आप कैसे फॉर्म को भरेंगे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। आप गूगल पे सीधे सीधे लिखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और वहां पे देखिए आपके बीपीएससी
www.bpsc.bis.nic.in ये ओपन हो जाएगा। जब इस पेज को आप ओपन करेंगे तो आपके समक्ष जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल पेज ओपन, आपके स्क्रीन पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। इसमें आप देखिए यहाँ पे जो आपकी भर्ती के लिए विज्ञापन आया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 27 अक्टूबर 2023 को इम्पोर्टेंट नोटिस, रिक्रूटमेंट ऑफ स्कूल टीचर सेकेंड फेज फॉर क्लास 6 to 8, फ्रॉम क्लास 9 to 10 एंड फ्रॉम क्लास 11 to 12 एंड टीचर हेडमास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर बीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन बिटवीन 3/11/23 to 14/11/23। और जब इस पेज को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो जो ऑफिशियल न्यूज है वो आ जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 800001 द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना। क्या सूचना उसको आप देखिए, द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय दैट इज वर्ग 6 से 8 अर्थात कक्षा 6 से 8 तक के लिए, माध्यमिक वर्ग अर्थात कक्षा 9 से 10 के लिए एवं उच्च माध्यमिक अर्थात कक्षा 11 से 12 वर्ग 11 से 12 तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित जिसको हम टीजीटी कहते हैं, माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अर्थात स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 3/11/23 से 14/11/23 तक संभावित है। उक्त परीक्षा का आयोजन 7/12/23 से 10/12/23 तक संभावित है। उपर्युक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप बिहार में जो वैकेंसी आई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो 3/11/23 से 14/11/23 तक इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होने वाली है और 23 से लेकर के 10/12/23 के मध्य होने वाला है। और हम आपको कहना चाहेंगे कि आप जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखते रहिए, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए उस अपडेट से आप अवगत रहें। और जैसे ही फॉर्म आता है आप अनिवार्य रूप से अपना फॉर्म डाल दीजिए। इस तरह से हम सभी लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया, इस वीडियो में देखा कि बीएड के विद्यार्थियों के लिए बंपर जो भर्ती आई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा वो किस लेवल के लिए है, उसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी और उसका एग्जाम का टाइम क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप इस वीडियो को अनिवार्य रूप से अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये जो अवसर मिला है उस अवसर का वो भी लाभ उठा सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।